अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और बहुत खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, क्या आपकी स्किन पर छाइयाँ या झाइयाँ, पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन या मलाजमा है, या किसी भी तरह के डार्क स्पॉट्स हैं, सनबर्न है? तो बिलीव मी, दिस इज़ द रेमेडी फॉर यू। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बेहतरीन रेमेडी, जिसको लगाने से जितने भी पुराने निशान आपके चेहरे पर होंगे उन सबको ये फिक्स कर देगी 100% गारंटी के साथ। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड बिलीव मी, इट इज़ टोटली फ्री और ना ही कोई चार्जेस लगेंगे और ना ही कोई मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं यकीन होता तो प्रेस करके देख लें। फ्रेंड्स, चेहरे पे निशान पड़ने की जो वजह है, थोड़ा हम उसको जान लेते हैं कि ये पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, मलाजमा या डार्क स्पॉट्स क्यों होते हैं, उनका क्या रीज़न है। तो पिगमेंटेशन जो है यूवी रेजेस की वजह से हो जाती है, जिसको सन डैमेज भी कहा जाता है। जब हम बगैर सन ब्लॉक लगाए धूप में जाते हैं तो आपकी स्किन पे जो डिस्कलरेशन आ जाता है, इसको पिगमेंटेशन कहते हैं। दूसरा मलाजमा होता है। मलाजमा में आपकी स्किन की जो ऊपर वाली लेयर होती है उसकी वो साफ़ ही होती है, लेकिन अंदर की जो लेयर होती है वो डार्क होने लगती है। इसको हम झाइयाँ भी कहते हैं, और जब बहुत ज़्यादा झाइयाँ हो जाती हैं तो उसको हम मलाजमा कहते हैं। उससे बचने के लिए आपको अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है, ताकि जो भी ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं उसका सही से इफ़ेक्ट आए। वो ट्रीटमेंट चाहे किसी रेमेडी की सूरत में हो या फिर आप किसी डॉक्टर से कंसर्न है तो वो भी आपको सप्लीमेंट्स देंगे साथ साथ में। तो इससे बेहतर है कि आप अपने खाने पीने का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इंटरनली आपका हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें और पानी का इंटेक ज़्यादा करें। तो फ्रेंड्स, ये कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशंस थी जिनका जानना बहुत ज़रूरी था। तो अब चलते हैं रेमेडी की तरफ। इस रेमेडी को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, मतलब स्टेप वन और स्टेप टू। फर्स्ट स्टेप के लिए हमें चाहिए चावल का आटा, और सेकेंड स्टेप के लिए भी हमें चावल के आटे की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो घर में जो मौजूद चावल होते हैं आप उनको ग्राइंड करके भी आटा बना सकते हैं। एक टेबलस्पून भर के हमने राइस पाउडर लिया है, अब हम इसको पेस्ट बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ रोज़ वाटर का। आप इसकी जगह पे, अगर लेमन आपकी स्किन पे सूट करता है तो आप इसमें एक फुल लेमन कटिंग करके उसका जूस ऐड करके भी पेस्ट बना सकते हैं। लेमन बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपकी स्किन पे सूट करता है तो आप इसमें लेमन शामिल करें। लेमन में बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है। लेमन आपके स्किन पर ब्लीचिंग का काम करेगा। तो डार्क स्पॉट्स, एक्नी स्कार्स या पिगमेंटेशन जो भी है उसको लाइटन अप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। मेरे पास अभी लेमन अवेलेबल नहीं है। अगर लेमन मेरे पास अभी अवेलेबल होता तो मैं भी लेमन ही यूज़ करती। लेमन अगर आपकी स्किन पे सूट नहीं करता तो आप रोज़ वाटर भी इसमें ऐड कर सकते हैं और दूध भी इसमें शामिल किया जा सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने राइस पाउडर का यूज़ किया है। तो राइस पाउडर के बारे में आप सभी जानते होंगे, बहुत सी रेमेडीज़ में चावल का आटा हम यूज़ कर चुके हैं। चावल का आटा आपकी स्किन पर मैजिकली वर्क करता है। ये एक बहुत ही अच्छा एक्सफोलिएटर है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी ऑक्सीडेंट है, एंटी एजिंग है। अगर आपकी स्किन पर किसी भी तरह के एजिंग साइन आ चुके हैं तो चावल का आटा उसको भी क्योर कर सकता है। चेहरे के दाग धब्बे, डार्क स्पॉट, झाइयाँ और सारी प्रॉब्लम्स को चावल के आटे से फिक्स किया जा सकता है। मिक्सचर हमारे पास रेडी हो चुका है, इसको हम बहुत ही सॉफ्टली अपने फेस पर लगाएंगे। राइस पाउडर जो है वो कच्चे चावलों से बनाया जाता है, तो आपको यहाँ पर बहुत ही
एहतियात से अपनी स्किन पे इसको रब करना है। और कच्चे चावल थोड़े से हार्श होते हैं तो हरगिज़ अपनी स्किन पे रगड़ रगड़ के नहीं लगाना है। बस एक मिनट के लिए हम जेंटली मसाज करेंगे इस तरह से। अब 10 मिनट के लिए हम इसको अपने फेस पे लगा रहने देंगे ताकि ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए और चावलों की जो मैजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएँ। 10 मिनट के बाद ये कुछ इस तरह से खिंचा खिंचा सा फील होने लगेगा आपको। अब आप टेप वाटर के साथ इसको अच्छे से वॉश कर लें। इजीली पाउडर की तरह ये आपके फेस से रिमूव हो जाएगा और स्टेप 1 के बाद ही मिलेंगे आपको बेहतरीन रिजल्ट्स। आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लो करने लगेगी और क्लीन हो जाएगी। चलिए तैयार करते हैं अपना सेकेंड स्टेप जो कि है फेस पैक। तो फेस पैक बनाने के लिए हम राइस पाउडर लेंगे 1 टेबलस्पून। अब नेक्स्ट इसमें जाएगा सैंडलवुड पाउडर। सैंडलवुड पाउडर इज़ रिच इन एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ और हर स्किन टाइप वाले इसे यूज़ कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून यहाँ पर हम सैंडलवुड पाउडर का यूज़ कर रहे हैं फेस पैक बनाने के लिए। अब इन दोनों चीज़ों को मिक्स करेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बनाने के लिए हम यहाँ पर दूध का इस्तेमाल करेंगे। राइस पाउडर थोड़ा सा ड्राई होता है तो दूध जो है थोड़ा सा मॉइस्चर लाएगा इस फेस पैक में। तो दूध यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन है। कोई सा भी दूध आपके पास घर में अवेलेबल है तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करके फाइन सा पेस्ट बना लें। फेस पैक हमारा रेडी है। यहाँ पर मैं इसमें चंद कतरे आलमंड ऑयल के ऐड करूँगी। आलमंड ऑयल स्किन के लिए बेहतरीन होता है। राइस फेस पैक लगाने के बाद आपकी स्किन थोड़ी सी ड्राई हो जाती है, इसलिए हम चंद कतरे आलमंड ऑयल के शामिल करेंगे तो स्किन में जो खिंचाव आता है राइस पाउडर लगाने के बाद वो खिंचाव नहीं आएगा और आपकी स्किन बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। तो ये फेस पैक हमारे पास रेडी है। अब हम अपने पूरे फेस पे इसको अप्लाई करेंगे। 20 से 25 मिनट आप इसको अपने फेस पे लगा रहने दें। बहुत ही ठंडक सा एहसास होगा सैंडलवुड पाउडर लगाने से और इतनी मज़े की खुशबू होती है सैंडलवुड पाउडर में कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप ये रेमेडी ज़रूर यूज़ करना और जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा इस तरह से तो फिर आप इसको थोड़ा सा गीला करके हल्के हाथों से जेंटली मसाज करके इसको रिमूव कर दें और यू आर गोइंग टू बी अमेज्ड। आपके फेस पर आपको रिजल्ट बताएंगे। ये रेमेडी ब्यूटीफुली वर्क करेगी, आपके चेहरे के डिसकलरेशन को ख़त्म करेगी और उसको इवन टोन बना देगी। उम्मीद करती हूँ आज की रेमेडी आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी। आप इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।